बिहार की सत्ता में 18 सालों से बैठे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद पिछले महीने ही सीएम नीतीश कुमार ने संभाला है। तब सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन हुआ था। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनयन के 3 हफ्ते बाद नीतीश कुमार ने अपनी टीम बना ली है। इसके साथ ही नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा जेडीयू ने कर दी है। इसमें जेडीयू के पूर्व बिहार प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया है। नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के पहले की कार्यकारिणी में कुल 17 महासचिव थे। नई कार्यकारिणी में 11 महासचिव हैं। नीतीश कुमार के द्वारा तैयार की गई जेडीयू की नई टीम में कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी लोकसभा सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को दी गई है, जबकि कुल 11 महासचिव का चयन नीतीश कुमार ने किया है। इनमें राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर, पूर्व सांसद मंगनीलाल मंडल, बिहार सरकार के मंत्री संजय कुमार झा, पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी, MLC अफाक अहमद खान, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री भगवान सिंह कुशवाहा, पूर्व केंद्रीय मंत्री राम सेवक सिंह, पूर्व राज्यसभा सांसद कहकशां प्रवीण, MLC कपिल हरिश्चंद्र पाटिल, राज सिंह मान और पूर्व विधायक सुनील कुमार उर्फ इंजीनियर सुनील शामिल हैं। पूर्व विधायक राजीव रंजन को प्रवक्ता बनाया गया है, जबकि सचिव पद की जिम्मेवारी 6 नेता निभाएंगे। इनमें पूर्व विधायक विद्यासागर निषाद, राजीव रंजन प्रसाद, अनु पटेल, दयानंद राय, संजय कुमार और मोहम्मद निसार शामिल हैं। इन सभी नेताओं को जेडीयू का सेक्रेटरी बनाया गया है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए इंसाइड लाइव।